अगली खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर पुलिस के वरीय अधिकारी अक्सर स्मार्ट और हाईटेक पुलिसिंग की बात कहते हैं कि मुजफ्फरपुर पुलिस अब स्मार्ट हो गई है, अत्याधुनिक वाहन और संसाधनों से लैस है। इसी दौरान एक वीडियो सामने आता है जो इस बात का अंतर विरोध पेश करता है। ये वीडियो पुलिस के इस दावे की पूरी तरह से पोल खोल कर रख देता है। दरअसल मुजफ्फरपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस गाड़ी को कुछ सिपाही धक्का दे रहे हैं। कुछ देर तक धकेलने के बाद ये स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पुलिस की जमकर खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि गाड़ी का हाल ऐसा है तो ऐसे में पुलिस कर्मी अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी सकरा थाने की है। इसमें कैदी को लेकर कोर्ट लाया गया था, लेकिन कोर्ट हाजत के पास जब इसे स्टार्ट करने की कोशिश की गई तो ये हुई ही नहीं। इसके बाद सिपाहियों को धक्का मारना पड़ा, तब जाकर ये गाड़ी स्टार्ट हुई। इसके बाद वे लोग वहां से निकल पाए। अब सवाल उठता है कि अगर अचानक से अपराधी को पकड़ना पड़े तो कैसे पकड़ेंगे। जिले के अधिकांश थानों में पुलिस गाड़ी की हाल बदहाल है। पहले भी सकरा और सदर समेत अन्य थानों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। कई बार तो आधे रास्ते में तेल ही खत्म हो जाता है, जिस कारण धक्का देकर गाड़ी को थाने तक लाना पड़ता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के किसी वरीय अधिकारी ने अब तक इस संबंध में बयान नहीं दिया है।